अच्छा ठीक है, एक मिनट एक सेकेंड वेट मुझे हंसी आ रही है यार अब। अच्छा बंद करो प्लीज। सो आज की इस व्लॉग में आप देखेंगे मेरा मुंबई टू वाराणसी तक का सफ़र, मैंने कैसे ट्रैवल किया, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़े और क्या कंडीशन है एयरपोर्ट्स की कोरोना पीरियड में, ये सब कुछ आपको मेरे इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। सो मुंबई से टेक ऑफ से लेके वाराणसी में लैंडिंग तक का पूरा सफ़र आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भाई परदेसी के, तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं। I'm sad. एवरीवन, दिस इज निधि सिंह ऑलराउंडर और अभी बज रहे सुबह के 6 और मैं उठ गई हूँ सो। एक्चुअली यहाँ आने के बाद मुंबई में रूटीन बहुत खराब हो गया था, 9 बजे 10 बजे सो के उठती थी, बट आज एक्साइटमेंट का लेवल इतना ज्यादा हाई है कि मैं 5 बजे से ही जगी हूँ। वैसे फिलहाल अभी अपने बेड पे ही हूँ, अब उठूंगी और बाकी फाइनल पैकिंग करूंगी क्योंकि आज मैं जा रही हूँ मुंबई टू वाराणसी अपने फैमिली के पास एंड देन वाराणसी से मैं जाऊंगी कोलकाता अपने घर। सो आई एम सो एक्साइटेड। वैसे भी लॉकडाउन में यहाँ पे काम नहीं था, सारा काम बंद पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी फैमिली के साथ जाके ये टाइम स्पेंड करूँ। लॉकडाउन अगर कंप्लीट लॉकडाउन हो गया तो फिर मैं यहाँ फंस जाऊँगी। सो आज मैं ट्रैवल करने वाली हूँ, तो आज के इस ब्लॉग में आप देखेंगे मेरा पूरा सफ़र एंड ऑल्सो कोरोना के टाइम, लॉकडाउन के टाइम क्या हालात हैं फ्लाइट्स के, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और फाइनली अलविदा करूंगी लोखंडवाला को। फिलहाल फाइनल पैकिंग कर लेती हूँ क्योंकि सारी पैकिंग तो ऑलरेडी हो चुकी थी पहले ही, बट जो चीज़ें अभी कुछ कपड़े हैं कुछ बैग्स वगैरह जो फैले हुए हैं अभी उन सबको पैक करना है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं आज कैसा रहता है मेरा सफ़र। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और अब मैं लास्ट टाइम अपने बालकनी से इस लोखंडवाला मार्केट को देख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अभी लॉकडाउन की कंडीशन है एंड दोबारा कब वापस आना होगा कुछ कंफर्म नहीं है। सो आखिरी बार इस व्यू को एंजॉय कर रही हूँ। सो अब मैं करने जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट और सारी पैकिंग हो चुकी है फाइनली, अब मैं रेडी होने जा रही हूँ। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद तैयार होते हैं और निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। ज्यादा भर लिया है सामान, पैक कैसे होगा, ये बंद कैसे होगा। सो फाइनली पैकिंग पूरी हो गई है और मैं निकलने वाली हूँ एयरपोर्ट के लिए। सो देखिए मैंने क्या क्या रेडी किया है। सो दिस इज वन बैग, एक बैग, दो बैग, तीन बैग। सो बहुत ज्यादा अलाउड नहीं है लगेज, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा हैवी हो गया ये। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी यहां से। बाय बाय मुंबई, आई मिस यू, ये रूम जिसमें मैंने इतने दिन बिताए। बाय छोटू भैया, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बनाए, बहुत अच्छा खाना खिलाया मुझे। बाय बाय छोटू भैया। ओके मुंबई में चल रहा है अभी लॉकडाउन, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, बहुत कम लोग ही बाहर निकलते हैं, वो भी बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं ऑन टाइम पहुंच चुकी हूं एयरपोर्ट पे, ऑन टाइम क्या बिफोर टाइम पहुंच चुकी हूं, बहुत ज़्यादा टाइम है मेरे पास। सो एयरपोर्ट की कंडीशन भी आप देख सकते हैं, T2 से मेरी फ़्लाइट है और ये Terminal 2 है और आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर भी ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन हाँ जिनको ट्रैवल करना है वो ट्रैवल कर रहे हैं।
अभी मैं स्पाइस जेट के विंडो पे जा रही हूँ उनसे बाकी की इन्फॉर्मेशन लेने, क्योंकि मैंने वेब चेक इन कर लिया है और मेरा बोर्डिंग पास अभी मुझे मेल नहीं किया गया था, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन लूँगी वहाँ से और उसके बाद लेंगे कुछ रिफ्रेशमेंट। अभी मैंने करा लिया है वेब चेक इन। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं कोरोना पीरियड में तो आपको वेब चेक इन करवाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको घर बैठे भी वेब चेक इन करा सकते हैं। आपका बोर्डिंग पास आपको मेल कर दिया जाएगा जो भी फ्लाइट है आपकी उनकी तरफ से। लाइक मेरा स्पाइस जेट है, स्पाइस जेट पर मैंने वेब चेक इन कर लिया था। एयरपोर्ट आने के बाद ही मैंने वेब चेक इन किया क्योंकि मैं बहुत पहले आ गई हूँ, टाइम से काफ़ी पहले आ गई हूँ, और अब मैं एंटर करूँगी जब तो मुझे वहाँ से मेरा बोर्डिंग पास मिल जाएगा। सो फाइनली सेइंग बाय बाय टू मुंबई, आई एम सैड। और फैमिली से मिलने की खुशी भी है बट बहुत ज़्यादा दुख भी है, अपने दोस्तों को छोड़ के जा रही हूँ यहाँ। सो अभी हम एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, और तब तक कुछ रिफ्रेशमेंट लेते हैं। आप लोगों को पता ही है ना मैं कितनी डाइटिंग करती रहती हूँ। अगर आप लोग इंस्टा पे मुझे फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा मैं कितनी ज़्यादा डाइटिंग करती रहती हूँ। तो दिस इज़ माई लास्ट डाइटिंग इन मुंबई। मैं एयरपोर्ट काफ़ी पहले आ गई थी, बहुत ज़्यादा टाइम था मेरे पास, इसीलिए मैंने रिफ्रेशमेंट भी लिया एंड काफ़ी वेट भी किया। सो अब फाइनली एंटर कर गई हूँ मैं एयरपोर्ट के अंदर, मैंने अपना बोर्डिंग पास भी ले लिया है एंड अब मैं जा रही हूँ सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। सो इस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है हर तरफ, बट आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। प्रॉपर मास्क आपको पहन के रखना है, लेकिन फिर भी एक डर है कहीं ना कहीं कि कोरोना पीरियड है, इतने ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आप कितना भी डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहने, बट एट द एंड आपको फ्लाइट में एक साथ ही सबके बैठना है, आपके बगल में दो लोग और होंगे। सो मैंने अभी अपना बोर्डिंग पास भी ले लिया है और सिक्योरिटी चेकिंग भी हो चुकी है। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है इस बार, मतलब सबके बैग को, लिटरली सबके बैग को चेक किया जा रहा है। तो काफ़ी टाइम जा चुका है और मेरी फ़्लाइट है 2:45 की। सो आज सिक्योरिटी चेकिंग में जब मेरे बैग को ओपन करके चेक किया जा रहा था, क्योंकि मैंने भी कुछ ज्वेलरी वगैरह कैरी की हुई थी तो उसको ओपन करके चेक किया जा रहा था, उसी चक्कर में मेरा सेल्फी स्टिक वहीं रह गया, तो मुझे रिकॉर्डिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सो फाइनली मैं तो पहुंच चुकी हूं अपने गेट के पास और ये रही मेरी फ़्लाइट, नहीं पता ना कौन सी, ये वाली, अरे ये वाली बाबा, हाँ तो ये मेरी फ़्लाइट है और ये मेरा इंतज़ार कर रही है। वैसे आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं और ये सब वाराणसी की फ़्लाइट के लिए वेट कर रहे हैं, तो क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो चुका है तो सब अपने घरों की तरफ भाग रहे हैं, और ऐसे में अब बहुत ज़्यादा डर भी है क्योंकि आप कितना भी प्रिकॉशन लें लेकिन फ़्लाइट के अंदर सब एक साथ बैठेंगे, तो ऐसे में जो अगर किसी को फीवर आ रहा है या फिर उनको कोई भी सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो वो खुद ही अवॉइड करें ट्रैवलिंग, क्योंकि आप अगर ट्रैवल करेंगे तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। सो बाकी एयरलाइंस को जो प्रिकॉशन लेने हैं वो तो वो ले रहे हैं, एंड अब देख सकते हैं फाइनली मैंने बोर्ड कर लिया अपनी फ्लाइट पे और मुझे मिल गई है अपनी सीट। तो लीजिए जी, फाइनली हमारे फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया है और हम निकल चुके हैं, रवाना हो रहे हैं वाराणसी की तरफ। सो मैं बात कर रही थी कि जो एयरलाइंस को जो प्रिकॉशन लेना है वो ले रहे हैं, जैसे कि आपने देखा एयर होस्टेस उन लोगों ने भी डिस्पोजेबल ड्रेसेस एंड मास्क लगा के रखे हैं, एंड एज एन इंडिविजुअल आपको जो प्रिकॉशन लेना है वो आपको लेना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई भी सिम्टम है तो आपको खुद अवॉइड करना चाहिए ट्रैवलिंग, ताकि आप खुद को भी और कम से कम दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने से बचा सकें। और अब हमें ये जो मुंबई की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग जिनको गुरूर है कि हम बहुत ऊँचे ऊँचे हैं, वो आज ऊपर से कितने तुच्छ दिखाई दे रहे हैं, है ना। वाह वाह क्या डायलॉग मारा मैंने, मज़ा आ गया। और ये होता है बेस्ट पार्ट, आप लोगों को तो पता ही है मैं कितनी बड़ी फूडी हूँ, और आ गया है मेरा फूड, सो आई एम गोना एंजॉय माय फूड, और आप लोग इन वादियों को एंजॉय करिए।
सो मैंने फ़्लाइट में भी अपनी डाइटिंग नहीं छोड़ी और अपनी वाली डाइटिंग मैं फ़्लाइट में भी कर रही हूँ। सो देखिए बातों बातों में हमारी फ़्लाइट कहाँ आ गई। यस, हम लैंड कर रहे हैं वाराणसी में, वाराणसी पहुँच गए हैं एंड बिफोर टाइम आ गए हैं हम लोग, क्योंकि जो टाइमिंग थी फ़्लाइट की वो 2:45 टू 5:10 थी, बट अभी 4:30 हो रहे हैं और 4:30 पे ही हमारी फ़्लाइट लैंड कर गई है। वैसे जब हमने मुंबई से बोर्ड किया फ़्लाइट में तो वहाँ हमें आरोग्य सेतु ऐप दिखाना था, बट यहाँ वाराणसी एयरपोर्ट पे जिसके पास कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट थी उन्हें डायरेक्ट बाहर जाने को मिला, बट जिनके पास रिपोर्ट नहीं थी उनका टेस्ट हुआ है। सो मेरा भी कोरोना टेस्ट हुआ है यहाँ पे एंड देन उसके बाद मैंने अपना लगेज लिया और मैं आ गई हूँ बाहर। सो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ वाराणसी और अब जा रही हूँ अपने घर। तो कैसा लगा आपको मेरा ये सफ़र और कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।